नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, परेशान क्यों हो आप? निजुन काल में हताश और निराश क्यों हो? दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। जो मंत्र हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, बस उन्हें आप सुन लीजिए। अगर आप अपने जीवन काल में ने एक बार सिर्फ पढ़ लेंगे तो दोस्तों आपके जीवन काल की सारी परेशानियां चुटकियों में समाप्त हो जाएंगी, इस बात की गारंटी है। परंतु दोस्तों, आप आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, फिर हम आपकी फुल गारंटी ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि एक स्वच्छ इंसान के जीवन काल में हर प्रकार की चीजें होती है। जी दोस्तों, उन्हें बहुत सारे समस्याओं का सामना करना होता है, क्यों दोस्तों? भगवान उसी इंसान को इन समस्याओं के लिए चुनते हैं जो कि उन्हें पार कर सकता है। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके भी जीवन काल में लगातार बहुत सारी परेशानियां चल रही है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कहीं आपके घर में किसी की बुरी नज़र भी लग जाती है, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, बेवजह परेशानी आपके जीवन काल में आती है, मन में इतना आपको निराशा छा जाती है कि आपको लगता है कि कोई कार्य हम अब कर ही नहीं सकते। ऐसा लगता है मानो कि किसी बुरी नज़र का हाथ लग गया है। आखिर हमारे धन में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है? जीवन काल में चल रही परेशानियों का अंत क्यों नहीं हो रहा है? बहुत सारे सवाल दोस्तों आपके मन में आते हैं, और सही में दोस्तों ये आपके जीवन काल में हकीकत में हो रहे हैं, तभी जाकर दोस्तों आप परेशान हो रहे हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन काल में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। दोस्तों, एक इंसान अपने जीवन काल में जितना कर सकते हैं, 24 घंटे में जितना मेहनत करने का होता है दोस्तों, 100 में से 100% आप देते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी आपके कार्य उतने अच्छे नहीं हो पाते जितने आपने सोच रखी थी। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता दें कि आपने अपने प्रयास तो बहुत कुछ कर लिए, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे भी मंत्र हैं, कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिन्हें करने से दोस्तों आपके जीवन काल में आपके पाप की शुद्धता होती है, जीवन काल में आपके सोए हुए नसीब भी जाग जाते हैं, जिनसे दोस्तों आप सभी के जीवन काल में धन के रास्ते खुलते हैं, जीवन काल में जो भी परेशानियां हैं उनका अंत होता है। जी दोस्तों, और कुछ ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के उपाय आप सभी के लिए लेकर आए हैं, कुछ ऐसे ही मंत्र लेकर आए हैं जो कि दोस्तों आपके घर के माहौल की, आपके बाहर की, आपके जीवन काल की पूरी परेशानियां, जिस जिस जगह पर आपको परेशानी होती है दोस्तों, इन सभी को आप समाप्त कर सकते हैं, बस आप इस मंत्र का जाप कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये दोस्तों बात करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शायद दोस्तों नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ जरूर लिखें, आपकी मन की इच्छाएं पूरी होंगी, कष्ट दूर होंगे। तो ये दोस्तों बात करते हैं वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में, आपके जीवन काल के मंत्रों के बारे में। तो दोस्तों अब गौर से सुनिएगा, पढ़ने से पहले सुनने से पहले आप सभी को एक बात बता दें कि दोस्तों इस मंत्र को जो भी व्यक्ति सुनता है उन्हें यह मंत्र को पूरा सुनना होता है। दोस्तों, मंत्रों को आधे अधूरे में छोड़कर बिल्कुल भी ना जाएं, वरना दोस्तों इनका दुष्प्रभाव भी व्यक्ति के जीवन काल में पड़ सकता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस मंत्रों को आधे अधूरे में छोड़ देने से जो भी देव देवता के मंत्र होते हैं उनका अपमान हो जाता है। तो दोस्तों निवेदन है कि आप मंत्रों को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों आप शिव को बता दें कि जीवन काल में आपके विशेष प्रकार की नकारात्मक क्षण आते हैं जो कि आपके मनोकामनाओं को पूर्ण नहीं करने देते हैं। तो दोस्तों आपके जीवन काल के सर्वप्रथम और पहला ये मंत्र यह है जिनसे आपकी मनोकामनाएं हैं वह पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि प्रातःकाल किसी भी मंदिर में 5 लाल फूल हनुमान जी को चढ़ाने से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह पूरी हो जाएगी। साथ ही प्रातःकाल पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाकर प्रार्थना करने से आपकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होंगी, और इसके उपरांत ही बरगद के पत्ते पर अपनी मनोकामनाएं लिखकर किसी भी नदी में प्रवाहित कर दें, इससे भी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती है। तुलसी के पौधे में जल अर्पित करने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो दोस्तों जीवन काल की इन बातों पर ध्यान रखें, ये सब आप इन उपायों को करें। इसके उपरांत दोस्तों आप सभी के जीवन काल में एक और चीज आती है कि किसी भी कार्य को करने से पहले दोस्तों आप अंदर से पूरा घबरा जाते हैं, आपको लगता है कि यह कार्य सफल होगा कि नहीं होगा,
तो दोस्तों ये भी जीवन काल में आगे बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि इन भय को आप खत्म कर दें। तो दोस्तों भय नाशक के लिए आपको कौन से उपाय को करना चाहिए? दोस्तों आप सभी को बता दें कि सूर्य की पूजा करके सूर्य को जल चढ़ाएं, इससे सभी प्रकार के अनिष्टों का जो भय होता है वह समाप्त हो जाता है। रविवार को पुष्य नक्षत्र काल में काले धतूरे को जड़ से उखाड़ लें, उसे गले में पहनने से अनिष्ट का भय समाप्त होता है। साथ ही प्रातः काल लौंग डालकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसे किसी निर्जन स्थान में रख दें, इससे सभी प्रकार के भय दूर हो जाएंगे। नियमित रूप से आप इन्हें 5 शनिवार सायंकाल में पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं, इससे भी अस्त्र शस्त्र का भय नहीं रहता है। इसके उपरांत दोस्तों अगला जो है, आश्लेषा नक्षत्र में आंवले की जड़ उखाड़ लें, इसे दाहिने हाथ पर पहन लें, इससे सभी प्रकार का भय समाप्त हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इसके उपरांत ही अगले जीवन काल में जो चीज होती है कि दोस्तों आप देखते हैं कि आप बहुत मेहनत करते हैं और आपका काम बन नहीं पाता है, लोगों की बुरी नज़र लग जाता है। तो दोस्तों लोगों की बुरी नज़र से बचने के लिए भी आपको उपायों को अवश्य करना चाहिए। दोस्तों ये कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव आपके जीवन काल में रहता ही है, और दोस्तों ये आपको तभी पता चलता है जब आपको हानि हो जाता है। तो दोस्तों जीवन काल में ये उपाय भी, यह मंत्र भी बहुत ही आवश्यक है अपने दैनिक काल के लिए। जी दोस्तों, तो इनके लिए आपको कौन से उपाय को करना चाहिए? काले भांगरे की जड़ बच्चे के गले में पहना दें, बच्चे को बुरी नज़र नहीं लगेगी और बच्चे की रक्षा होगी। इसको उपरांत दोस्तों लहसुन, बांक, राई, नमक, प्याज के छिलके एवं नज़र लगे व्यक्ति पर 7 बार उसार कर अंगारों में डाल दें, और दोस्तों जलने पर जब बदबू ना आए तो समझ लेना कि उन्हें नज़र लगी है। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि काम अगर आपके नहीं बन रहे हैं, काम बनने तथा परेशानियों को दूर करने के लिए आपको शनिवार की प्रातः अपने काम पर जाने से पहले एक नींबू लें, उसको 2 टुकड़े करें, एक टुकड़े को आगे की तरफ फेंकें, दूसरे टुकड़े को पीछे की तरफ फेंकें। इन्हें चौराहे पर फेंकना है, मुख भी दक्षिण की ओर हो। नींबू को फेंककर घर वापस आएं या काम पर चले जाएं। दोस्तों दिन भर काम बनते रहेंगे तथा परेशानियां भी दूर होंगी। साथ ही काम के लिए अगर आपको किसी काम से जाना हो तो दोस्तों एक नींबू लेकर उस पर 4 लौंग गाड़ दें और इस मंत्र का आप जाप करें। जी हाँ दोस्तों, यह मंत्र है ओम श्रीं हनुमते नमः। दोस्तों 21 बार जाप करने के बाद उसको साथ लेकर चले जाएं। दोस्तों काम में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएंगी, इस बात की गारंटी है। बस आप मंत्र को याद रखें, ओम श्रीं हनुमते नमः। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत व्यापार में वृद्धि तथा शांति रहने के लिए आप यह मंत्रों का जाप करें। दोस्तों एक पीपल का पत्ता शनिवार को तोड़ कर ले आएं, उसे गंगा जल से अच्छी तरह धोकर 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ पढ़कर उसको जेब या फिर गले या फिर गद्दी के नीचे रख दें। दोस्तों इस पीपल के पत्ते को हर शनिवार बदलें, व्यापार में वृद्धि और घर में सुख शांति रहेगी। व्यापार में अगर घाटा चल रहा है तो दोस्तों उन्हें दूर करने के लिए व्यापार में घाटा हो रहा है या काम नहीं चल रहा हो, तब दोस्तों एक चुटकी में आटा लेकर प्रातः काल प्रत्येक रविवार के दिन व्यापार स्थल पर दुकान के मुख्य द्वार दोनों में थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। साथ में कहें, जिसकी नज़र लगी उसको लग जाए, बुरी नज़र वाली तेरा मुँह काला। यह क्रिया या यह उपाय शुक्र पक्ष के दिन ही करें। दोस्तों संभव हो तो प्रयत्न करें कि इस क्रिया को कोई न देखे, हो सके तो गुप्त रूप से ही आप इन्हें करें। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत अगला जो मंत्र है, अगला जो उपाय है दोस्तों, रोग ठीक करने के लिए। दोस्तों रोगी को दवाई नहीं लगती हो, एक पान का पत्ता, एक गुलाब का फूल, 7 बताशे पान के पत्ते पर रखकर रोगी के शीर्ष के ऊपर से उतारें और उसे चौराहे पर फेंक दें, रोगी ठीक होने लगेगा। और दोस्तों जो आखिरी उपाय है आप सभी की जीवन काल में, वह है धन में वृद्धि करने के लिए। जी दोस्तों, अगर इमली की टहनी को काटकर घर या फिर गले या फिर जेब में रखा जाए तो दोस्तों धन की जो वृद्धि है वह बढ़ जाती है तथा घर में बरकत होने लगती है। तो दोस्तों इन उपायों को करें, इनसे आप सभी के जीवन काल में परेशानियां भी खत्म होंगी और जो भी बाधाएं हैं वह भी खत्म होंगी और पेशों में बढ़ोतरी होंगी। यानी कि दोस्तों जीवन काल के सारे गुण आपको इस वीडियो में प्राप्त हुए हैं। बस
अगर आप वीडियो को अच्छे से नहीं सुन पाए हैं तो दोस्तों पीछे जाकर भी सुन सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का दिन शुभ हो, इसी आशय के साथ फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए आपका धन्यवाद।